सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आवर चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी का अंडर का प्राइवेट कॉलेज के बारे में। इसमें हम थोड़ा सा प्लेसमेंट, थोड़ा सा कॉलेज का डिटेल्स और इसमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी हम कवर करने वाले हैं। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये कैंपस आपका 1979 में कैंपस स्टार्ट हुआ था, बट जो इसका जो ऑपरेशन जब आईपी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ 1999 में उसका ऑपरेशन मिला आपका, यानी कि 1999 से इसका ऑपरेशन मिला, 24 इयर्स ओल्ड हो गया है आपका आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हुए। अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बेसिकली हम बीटेक के बारे में जान लेते हैं। बीटेक में आपको यहाँ पर जो ब्रांचेस मिलेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। इसमें आपका ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस भी अवेलेबल है यहाँ पर बीटेक में। अगर बात कर ले एडमिशन के लिए तो आपको जेईई मेंस देना कंपलसरी है। किसी भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बीटेक में आपको जेईई मेंस का एग्जाम, जेईई मेंस का रैंक आपका बहुत जरूरी होता है। ये चीज शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो शायद आपको इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो जेईई मेंस का आपका एग्जाम देना कंपलसरी है, ऐसे बात किया तो। उसी तरह आपका आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग निकलती है और काउंसलिंग में आपको जेईई मेंस का सीआर रैंक फिल करना होता है, उसके बेसिस पे ही काउंसलिंग यहाँ पर होता है। अगर बात करें इस कैंपस का लोकेशन का, दिल्ली के जनकपुरी में है कैंपस। कैंपस काफी खूबसूरत है, जब आप इसके बारे में डिटेल्स जानोगे तो कैंपस काफी खूबसूरत है। 85% जो सीट रिजर्व होता है वो दिल्ली कैंडिडेट के लिए होता है। दिल्ली कैंडिडेट वही होते हैं जिनका वहां से स्कूलिंग हो रखा हुआ, बाकी 15% जो कोटा होता है बाहरी स्टूडेंट के लिए होता है जो बाहर से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान के और जो अदर स्टेट है वो 15% के कोटा में आते हैं। अब यहाँ पर बात करें कटअप का, तो यार कटअप जो आपको दिखता है यहाँ पर, जो बेसिकली जो बच्चे सर्च करते हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो कटअप थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हाई रहता है। कटअप को लेकर अगर बात करें तो अगर आपका 70,000 के करीब रैंक है आपका कंप्यूटर साइंस के, तो इजिली यहाँ पर काउंसलिंग के बेसिस तक मिल जाता है एडमिशन। वही बात करें प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर ज्यादा गया हुआ है, यानी कि गूगल कंपनी में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हुआ है आपका 1,70,00,000 रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट। वहीं आपका बात करें अमेज़न कंपनी में भी आपका इसी ब्रांच वाले ही बच्चे ने बाजी मारा है, वहां पर आपका 1,20,00,000 रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। तो यानी देखा जाए तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसी ब्रांच का है। और वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट प्लेसमेंट का यहाँ पर, तो आपको 55 से 60 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और आईटी ब्रांच का भी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है लगभग 1,00,00,000+ का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का आराम से 10 से 12 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से लग जाता है, जो आपका यहाँ पर फी है आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको निकलकर सही आता है। वही अगर मिनिमम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको 3 लाख रुपए को मिनिमम प्लेसमेंट यहाँ से दिख जाएगा। अगर फी की बात करूं तो जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है आपका 1,24,200 रुपए साल का फीस है। फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा फी ज्यादा पे करना पड़ता है, मीन्स की 1,24,200 प्लस 20,000 रुपए आपका यूनिवर्सिटी चार्ज प्लस आपका 10,000 रुपए रिफंडेबल अमाउंट, कुछ जो अमाउंट बच गया आपका कुछ ऐसा सिक्योरिटी अमाउंट आपको वहां पर पे करना था। जो फर्स्ट ईयर में फीस आपको पे करना होगा एडमिशन टाइम 1,56,300 रुपीज आपको ट्यूशन फीस पे करना होता है। तो आप अनुमान लगाना कि आपका फी लगभग यहाँ पर कितना, अप्रोक्सीमेटली 5,50,000 करीब आपका ट्यूशन फीस यहाँ पर लग जाता है। हॉस्टल होगा तो हॉस्टल मिला वाला के आपका जो हॉस्टल का है लगभग लेके आपका वहां पर 10 लाख के करीब आपका खर्चा बैठता है ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल का। दिल्ली शहर है और काफी क्राउड रहता है दिल्ली में, तो आप इसको देख लेना जरूर। और जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं दिल्ली के बाहर वाले, तो बेसिकली आप इसको जरूर देखो। और ये कॉलेज आपके लिए काफी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाला है और अच्छा प्लेसमेंट जाता है। अगर देखा जाए तो आराम से मैक्सिमम स्टूडेंट का 6-7 लाख रुपए का प्लेसमेंट यहाँ से दिल्ली मिल जाता है, तो मिनिमम प्लेसमेंट होता है 3 लाख रुपए का है। ये बात रहा इस कॉलेज के बारे में। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई क्वारी हो, कुछ पूछना होगा इसके रिगार्डिंग। और डायरेक्ट एडमिशन का तो मैंने बात ही नहीं किया था, डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पर कुछ परसेंट जो कोटा होता है मैनेजमेंट कोटा होता है और वो आपको डायरेक्टली कॉलेज के ही पास पता चलेगा, बाकी जो काउंसलर जुड़े हुए उसके थ्रू पता चलेगा कि कैसे क्या आपको डोनेशन रखता है। जिनको जानकारी चाहिए डायरेक्ट एडमिशन का तो आप पर्सनली मेरे से सोशल मीडिया लिंक से कनेक्ट होकर डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कोटा फी क्या है। उसके अलावा फ्रेंड चैनल पर नए होंगे, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना या लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन स्टूडेंट भी दिल्ली के अंदर कॉलेज देख रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब के लिए बाय बाय।